अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोगों ने जो मेरा पिछला व्लॉग था वो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अब मैं आप सब लोगों के लिए जो है एक और व्लॉग लेके आया हूँ जो कि लेक व्यू पार्क का है, तो आप लोग इंशाल्लाह उसे भी इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आखिर में मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि आपको व्लॉग का सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो कौन सा लगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। आप सब लोगों को मेरे आज के इस नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और खैरियत से रखे। तो आज जो है वो हम लोग लेक व्यू पार्क की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं और मेरे दोस्त बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि आज थोड़ी हम आउटिंग करते हैं क्योंकि संडे का दिन है। तो हम लोग लेक व्यू पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो लेक व्यू पार्क का पूरा मैं आपको इंट्रो भी दूंगा और पूरी पार्क भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ जाके जो हम फन करेंगे वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग इस्लामाबाद देख चुके हैं उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत है, और जिन लोगों ने नहीं भी देखा तो वो मेरे इस वीडियो में देखते जाएं कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जहाँ हम जा रहे हैं लेक व्यू पार्क वो कहाँ पर है। तो लेक व्यू पार्क जो है वो रावल लेक के दरमियान में है। तो अगर आप लोग मरी रोड से जाते हैं या आप लोग जाते हैं क्लब रोड से, तो आप लोग जो हैं वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और सदर से हम लोग आए थे तो इतना कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, आधा घंटा लगा हमें पहुंचने में। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब हम नीचे उतरेंगे गाड़ी से, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की जो मुलाकात है अपने दोस्तों से करवाऊँगा जो मेरे साथ इस पार्क में आए हुए हैं। ये मेरे साथ माजिद भाई हैं, आसिफ और तलहा ज़ुबैर। तो हम लोग लेक व्यू पार्क की तरफ जा रहे हैं, तो आगे चल के आपको फिर बताते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे जो है वो लेक की तरफ जा रहे हैं, और हमने जाके आगे बोटिंग भी करनी है। तो मैं आप लोगों को लेक भी दिखाऊंगा और डूबता हुआ सूरज, क्योंकि शाम हो रही है तो सूरज गरूब होने का भी टाइम हो गया, तो वो सीन भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे चल के। तो आप लोग मेरे साथ साथ चलिए। ये देखें आप ज़रा, पानी के ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ रही है और इतना खूबसूरत पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने तस्वीरें भी बनाई हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आया है यहाँ से। तो अभी हम थोड़ी देर में बोटिंग करेंगे, मैं आपको जो है वो बोटिंग भी दिखाऊंगा। ये आप सूरज का सीन देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मैं बोट में बैठने के लिए जा रहा हूँ, फिर आगे चल के बात करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग कश्ती में बैठे हुए हैं, मेरे साथ तला है, और अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। वो मोटर वाली कश्ती है वो सामने जा रही है, तो उधर करो ना। मेरा मोबाइल है नीचे, मोबाइल का ख्याल करना है नीचे नहीं गिरे। और बाकी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों का इस्लामाबाद चक्कर लगे तो आप लोग लेक व्यू पार्क में जरूर जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर जाए और आप इंजॉय कर सकें, फन कर सकें, तो आप लोग जो हैं वो लेक व्यू पार्क में लाजमी आएँ। यहाँ पर एम्यूज़मेंट पार्क भी है, एडवेंचर पार्क भी है, उसके अलावा बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, और हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह हर चीज़, हॉर्स राइडिंग आपने करनी हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बोटिंग करनी हो तो आप बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है वो कुछ कल्चरल डांसेस जो हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ पठान लोग और कुछ बलोची लोग अपने कल्चर की डांसेस यहाँ पर कर रहे थे, जिसको वतन बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए उसको और इन्जॉय कीजिए।
एक और डांस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ और लोगों की, तो आप लोगों ने फिर जज करके आखिर में मुझे बताना है कि तीनों ग्रुप्स में से आपको किस ग्रुप की ज़्यादा अच्छी लगी डांस। बनाते मैं अपने दोस्तों से काफ़ी दूर हो गया हूँ, पता नहीं वो किस साइड में और मैं किस साइड पे हूँ। अभी मैंने उनको फ़ोन किया है तो वो कह रहे हैं कि तुम उधर ही रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हमने काफ़ी आज इन्जॉय किया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो यहाँ का ज़ू है लेक व्यू पार्क का, वहाँ पर जो केज है बर्ड्स का वो लार्जेस्ट केज इन पाकिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा जो बर्ड्स का केज है वो लेक व्यू पार्क में पाया जाता है। तो ये एक खसूसियत है लेक व्यू पार्क की। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के फिर और बातें करते हैं। आप लोगों को लेक व्यू पार्क जाना हो तो आप लोग मरी रोड से सीधा आ जाएं और आगे से फिर रावल चौक आएगा, वहाँ से आपने टर्न लेनी है तो आप जो है वो सीधा लेक व्यू पार्क की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आके आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितना डेवलप्ड शहर है रावलपिंडी और मेट्रो स्टेशन और ये सारी मेट्रो की लाइन ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है लाइट्स के साथ ही कितनी खूबसूरत लग रही है। और माशाल्लाह बहुत ही डेवलप्ड सिटी है रावलपिंडी भी और इस्लामाबाद भी। तो मैं यही दुआ करूँगा कि बाकी जितने भी सिटीज़ हैं वो भी इसी तरह डेवलप्ड होते जाएँ ताकि जो है वो पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह खाना है तो उसके लिए हम लोग अभी देख रहे हैं कोई जगह जहाँ पर कोई अच्छी सी जगह जहाँ जाकर हम लोग खाना खा सकें। इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से आगे हम लोग रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर हमने शमसाबाद रुकना है। दोस्तों यहाँ पर हम पहली दफ़ा आए हैं तो हमें किसी रेस्टोरेंट का पता नहीं था, तो ये सामने यही वाला रेस्टोरेंट आया, इसके अंदर हम चले गए हैं। तो ये नज़र आने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आगे हम खाना खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ये कितना अच्छा है इसका खाना। दोस्तों खाने को देख के तो आप लोगों ने जज कर ही लिया होगा कि कितना टेस्टी और लजीज़ किस्म का खाना जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।